हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं कि डीएलएड फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का टाइम टेबल आ चुका है, जो कि टाइम टेबल आया है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के अकॉर्डिंग दिया गया है। और आपके जो पेपर की टाइमिंग दी गई है 8 से 11 टाइमिंग दी गई है। अब हम बात करते हैं कि आपका जो पेपर है, 10 पेपर होते हैं डीएलएड में, और वो किस किस डेट में दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो पेपर है आपका 24/6/2024 को है, यानी कि दिन जिस दिन सोमवार रहेगा। तो पहला पेपर जो आपका रहेगा बाल अवस्था एवं बालक का विकास, यानी कि चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। इसके सारे नोट्स मैंने वीडियो पर डाल दिया और मैं इसे डिस्क्रिप्शन लिंक पर भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। अगले पेपर की बात करें, जो अगला पेपर है आपका 26/6/2024 को है, दिन बुधवार, और पेपर का नाम है समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा। देन नेक्स्ट पेपर है आपका शुक्रवार, दिन 28 तारीख, यानी कि 28/6/2024 को पेपर है। तो आपके पेपर का नाम आएगा पूर्व बाल्यावस्था एवं उसका परिचय। नेक्स्ट पेपर है आपका 1/7/2024 को, और ये दिन है आपका सोमवार, यानी कि पेपर का नाम रहेगा आपका भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा का विकास। देन नेक्स्ट पेपर है आपका 3/7/2024 को, दिन बुधवार, और पेपर का नाम रहेगा आपका पाठ्यचर्या शिक्षण संप्रेषण तकनीकी एवं एकत्रीकरण, यानी कि ICD का पेपर रहेगा आपका ये। नेक्स्ट पेपर है आपका शुक्रवार 5/7/2024 को है, पेपर का नाम रहेगा आपका प्रोफेंसी इन इंग्लिश। देन नेक्स्ट पेपर है आपका सोमवार को 8/7/2024 को पेपर है। तो आपका ये जो नेक्स्ट पेपर रहेगा आपका योग शिक्षा। अगले पेपर की बात करें तो ये आपका जो पेपर है 10/7/2024 को है, दिन बुधवार। इसमें जो आपके जो ऑप्शनल पेपर है, आपने अपने कॉलेज में जो भी ऑप्शनल पेपर सेलेक्ट किया होगा, इसमें जैसे कि पहला पेपर है हिंदी भाषा शिक्षण, दूसरा पेपर है संस्कृत, तीसरा पेपर है मराठी, और चौथा पेपर है उर्दू। देन नेक्स्ट पेपर की बात करें हम, 12/7/2024 दिन शुक्रवार है, और ये आपका जो पेपर रहेगा पैडागॉजी ऑफ इंग्लिश। देन नेक्स्ट पेपर है आपका शनिवार 13/7/2024 को है, और पेपर का नाम रहेगा गणित एवं शिक्षण। यानी कि डीएलएड फर्स्ट में पूरे 10 पेपर होते हैं, और ये आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टाइम टेबल दिया गया है। और ये जो पुराने जितने भी मेरे पास पेपर हैं सब्जेक्ट के, तो मैं आप लोगों को वीडियो पे शेयर कर दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा। अगले ब्लॉग में हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर के टाइम टेबल की। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स।